फार्मा को जो धरने वो चक रहे हैं इतने नाल ही होर बदलवी थान के उत्ते लावे। जिहड़ा मोदी इत्थे दा प्रधानमंत्री अमित शाह जोगी है ये झूठियां दा सरदार है। हुण किन्ने भाजपा वालियां ने अस्तीफा देता भाजपा चो पंजाब दे विच उह किसानां दी धरचा खड़े जे होर किसानां दी धरचा आउंदे ने असीं इह नहीं कहिंदे वी भाजपा छड्डो इस तां कहिंदे किसानां दी जे हमायत करनी है तां आओ आके किसानां च हिस्सा लो दसो भी असी तो उन्होंने नीतियां कंडम करते हैं मोदी दियां किसानां दियां जिहड़ियां जायज मंगां ने उन्हां नूं मंडो। ऑर्डिनेंस रद्द कराने लिए किसानों वालों पिछले लंबे समय तो जरा संघर्ष है वो किया जा रहा है। पहला किसानों वालों पटड़ियों के उत्ते जरा धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है उस तो बाद किसानों वालों अपना धरना चाह के जो प्लेटफार्मा के उत्ते ले आए थे पर केंद्र सरकार वालों साफ तौर पर कहा गया कि जदों तक प्लेटफार्मा का भी जो धरना प्रदर्शन है किसानों ने नहीं चक्या जाता साढ़े वालों माल गड्डी जीडिया नहीं चलाई जाएगी। हूँ किसान यूनियन वालों फैसला किया गया है कि जो असी प्लेटफार्मा तो अपना धरना है वो प्रदर्शन है खत्म करके किसी होर जगह जो धरना प्रदर्शन रखांगे पर धरना प्रदर्शन साडा इसे तरह ही जारी रहेगा। तुहानू पहला धरना प्रदर्शन तस्वीर दिखाने कि किसानों वालों हुण रेलवे प्लेटफार्मा के उत्ते जिहड़ा धरना प्रदर्शन है वह किया जा रहा है। तुसीं देख सकते हो कि प्लेटफार्म के उत्ते धरना प्रदर्शन किसानों वालों लगातार जारी रख्या होया है। पिछले कई दिनों तो किसान यूनियन वालों खेती ऑर्डिनेंस रद्द करवाने के लिए जिहड़ा धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है पर हुण इन्हां वालों फैसला लिया गया है कि जो असी धरना प्रदर्शन है रेलवे प्लेटफार्मा तो बदल के किसी दूसरी जगह पर लै जाएंगे। ना तुम तस्वीरें दिखाने कि जिस तरह ही इन्हां वालों कहा गया है प्लेटफार्म वालों रेलवे विभाग वालों भी जिहड़ी तैयारी ने वो करनी शुरू कर दी गई ने। तुम देख सकते हो कि प्लेटफार्म की जिहड़ी तैयारी है उन्हां वालों की जा रही है जे क्योंकि पिछले लंबे समय तो जिहड़े पहला कोविड करके जिहड़ा रेलवे सी वो बंद पई सी तो उस तो बाद किसान जिहड़े धरने प्रदर्शन चल रहे सी उहदे करके ट्रेनां जिहड़ियां लंबे समय तो बंद पईआं सी पर हुण जिहड़ा रेलवे विभाग वालों भी जिहड़ी पटड़ियां की मरम्मत है वह करनी शुरू कर दी गई है क्योंकि किसानों वालों ऐलान कर दिया गया है कि जिहड़ा धरना प्रदर्शन है वह साडे वालों खत्म किया जाऊगा पर प्लेटफार्मा तो धरना प्रदर्शन खत्म करके उन्हां वालों जो धरना प्रदर्शन है वह अपना रेल थोड़ा जा पटड़ियों के पिछे जो धरना प्रदर्शन वह किया जाऊगा। ज़्यादा जानकारी लेने साढ़े ना किसान ने इन्हें गल कर की नाम है जी? मेरा नाम मंगत राम लौंगोवाल है। मंगत राम जी की हुण अगली थोड़ी रणनीति की तैयार हुई है क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि प्लेटफार्मा के उत्ते भी जो किसान बैठे होणगे तो माल गड्डी नहीं भेजे जाएंगे। हुण थोड़ी यूनियन वालों की फैसला लिया गया? देखो साडा अज 37वां दिन हो गया घोल चलदे नूं असी पुरामन तरीके नाल कल्ला संगरूर ही नहीं सारे पंजाब च ही इह जिहड़ा घोल है कर रहे हां। इस तों बिना तुसीं कल देखिआ वी 12 बजे तों 4 बजे दी सारे इंडिया दे विच ही चक्का जाम सी उह वी इहदा ही इक हिस्सा है। असी कहिंदे आ जिहड़ी सेंटर सरकार है असी लोकां नूं कोई खज्जल खुआरी नहीं होण देणी चाहुंदे। रेह दा सवाल है इतों माल चकन का सवाल है दूजा माल इतने लिया का सवाल है ताकि लोग खज्जल खुआर ना हो इस करके प्लेटफार्मा तो जोड़े धरने वो चक रहे हैं इतने नाल ही होर बदलवी थान के उत्ते लावे और साढ़े धरने उन्ना चर जारी रहे जिन्ना चर मोदी सरकार झुकती नहीं। असी समझते हैं कि ये जी सरकार है लोगों की सरकार नहीं बेशक इन्हें दावे किए भी असी अच्छे दिन लियावे असी 15-15 लाख रुपया थोड़े खाते च पावांगे 2 करोड़ बंदियां नूं आए साल रुजगार देवांगे पर तुसी आप देख लो सारे लोग जानते हैं भी ये झूठियां दी सरकार है। जिहड़ा मोदी इत्थे दा प्रधानमंत्री अमित शाह जोगी है ये झूठियां दा सरदार है ये लोकां लई नहीं सोचते अंडानी अंबानी वर्गियां जोकां लई सोचते ने सारा कुछ सुना देना चाहते हैं। साडी पंजाब दी धरती है जिहड़ी ये सारे हिंदुस्तान के मूँह च अन्न पाउंदी है सब तो ज़्यादा अन्न साडे जिले च पैदा हुंदा है हिंदुस्तान दे विच फिर भी साडे जमीनां दे उत्ते इन्हां ने एक साजिश तहत जमीन खोहण दी गल कीती है। असी एक इंच भी जमीन अंडानी अंबानिया का कब्जा नहीं होने देवे चाहे सानू अपने गल भी क्यों ना कटाने पा क्योंकि पंजाब का एक इतिहास है इत्थे रजवाड़े खत्म किए अंग्रेज भजाया इतों सरदार सरदारियाँ खत्म कीतियाँ पिंडां दे विचों वह भी इन्हां लोकां ने किसानां ने कीतियाँ हुण भी साडा पुरमन चल रहा है हज़ारां थावां ते पंजाब दे विच धरने चल रहे हैं पर एक भी किसान ने जासती नहीं की ना ही करनगे।
असी चाहते हैं भी लोगों नाल लोग खज्जल खुआर ना हो, लोगों के लिए असी लड़ रहे हैं। साडा जिहड़ा असी लड़ाई लड़ रहे हैं, असी किसी ते आसान नहीं करते, असी तो आपदियां जायज़ मंगां लई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा जिहड़ी जमीन है यह सारी साडी है, असी इहदे ते हल वाहुंदे हां, अनाज पैदा करते हैं, सारे हिंदुस्तान के मूँह के। अच्छा एक गल, एक मिनट जी मंगे राम जी, हूँ तो बीजेपी के लीडर भी जो गल कह लग गए कि जी केंद्र सरकार है, चाहे प्रधानमंत्री ने, चाहे पंजाब प्रधान ने, या दूसरे लीडर ने, भी वो किसानों की गल नहीं सुन रहे। सुरजीत जियानी का अच्छ बयान आया कि केंद्र सरकार को किसानों की गल सुननी चाहिए, उन्होंने गल मननी चाहिए, जोड़े मंगा जाए किस तरह दे दोनों बयान नहीं। असी कहने जोड़ा किसानों की चाहूँगा चंकी गल है, असी कोई लीक नहीं कटते। हुण किन्ने भाजपा वालिआं ने अस्तीफा देता भाजपा चो पंजाब दे विच, उह किसानां दी धिर च आ खड़े। जे होर किसानां दी धिर च आउंदे ने, असीं इह वी नहीं कहिंदे वी भाजपा छड्डो, इस तां कहिंदे किसानां दी जे हिमायत करनी है तां आओ आ के किसानां च हिस्सा लओ, दसो भी असीं तां उहनां दीआं नीतियां नूं कंडम करदे हां, मोदी दीआं नूं, किसानां दीआं जिहड़ीआं जायज़ मंगां ने उहनूं मनदे। बिल्कुल तुसीं सुणिआ कि किसान यूनियन दा साफ तौर ते कहना है कि साडे वल्लों जिहड़े प्लेटफार्मां तों उत्ते धरने ने उह चक्क के किसी दूसरी जगह दे उत्ते शिफ्ट किए जाणगे, पर जिहड़े साडे धरने प्रदर्शन ने उह इसे तरह ही जारी रहणगे। इह धरने प्रदर्शन उदों तक जारी रहणगे जदों तक केंद्र सरकार साडे मंगां वल नहीं ध्यान दिंदी। देखदा कि केंद्र सरकार इन्हां मंगां वल कदों ध्यान दिंदी है। कैमरामैन प्रिंस दे नाल रजेश कोहली, लिविंग इंडिया, संगरूर।